बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैन अल-अब्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकसवारी मीरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद। आज का हमारा लेसन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पिवट टेबल के वाले से पढ़ेंगे। पिवट टेबल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप 1 लाख डाटा के अंदर से आपको 10 बंदों का डाटा चाहिए तो आप पिवट टेबल की मदद से कैसे डाटा निकाल सकते हैं। इससे पहले कि हम लेसन शुरू करें, हमारे नए आने वाले साथियों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के ऊपर लाजमी क्लिक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी शेयर करें और इसको ख़ुद भी देखें और दूसरों को भी एडवाइज़ करें कि वो ये वीडियो देखें और इससे लेसन हासिल करें। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। ये एक बहुत बड़ा डाटा है जो मैंने पहले बना के रखा हुआ है। आप लोगों ने ये एक्सेल के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चीज़ें हमने खुद बना के रखनी है ताकि आपको समझ आ जाएगी इसकी। ये मैंने बनाया है डाटा एक, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर हमारे पास क्वार्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। मंथ जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर तक। रीजन ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, 4 रीजन होते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर कितनी स्टेट्स हैं, ये सारी स्टेट्स के बारे में जिक्र है। फिर यहाँ पे मैनेजर हैं, सेल्समैन हैं, फिर वो किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं और सब कैटेगरी में मर्द हैं, औरतें हैं, मैन वुमेन हैं और कितनी क्वान्टिटी में चीज़ें सेल की हैं। ये हमारी एक कंपनी है जिसके अंदर जो है वो ये सब लोग काम कर रहे हैं और पूरी कंपनी पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। तो आप किसी दफ्तर में, उस कंपनी के दफ्तर में काम कर रहे हैं और बॉस ने आपको कहा जी कि मुझे ये बताओ कि ईस्ट रीजन में किस किस बंदे ने कितना काम किया, कितना पैसा इकट्ठा किया, कितना पैसा कमाया, कितनी चीज़ें सेल की वगैरह वगैरह। या उसने कहा जी कि स्टेट के अंदर, मुझे पंजाब स्टेट के अंदर बताओ कि कौन कौन काम कर रहा है, कितना किस किस ने काम किया। या उन्होंने कहा जी कि जनवरी के अंदर किसने कितना काम किया, कैजुअल कैटेगरी में किसने काम किया, या अमर ने कहाँ कहाँ काम किया, या मेंस में मेंस सब मेंस ने काम जो किया वो बता दो, वो डाटा दे दो, या वुमेन्स का डाटा दे दो। तो ये इतने बड़े डाटे के अंदर से निकालना इतना आसान नहीं होता है, बड़ा मुश्किल होता है कि आप इस तरह निकाल लें, पर पिवट टेबल की मदद से आप इस सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको पहले आपने सेलेक्ट किया, जो जो चीज़ें हमने सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब के अंदर होम और इंसर्ट टैब के अंदर आप पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है जी। पिवट टेबल के ऊपर आप जो ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक क्रिएट पिवट टेबल का एक विंडो आ जाएगी। चूज द डाटा दैट यू वांट टू एनालाइज। डाटा हमने चूज कर लिया कौन सा डाटा एनालाइज करना है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि चूज वेयर यू वांट टू पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, के ये जो डाटा है ये आपने सेलेक्ट कर लिया पहले, फिर पिवट टेबल कहाँ पे आपने प्लेस करना है। दो ऑप्शन होते हैं कि एक न्यू शीट में या एग्जिस्टिंग शीट में। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप एग्जिस्टिंग शीट में भी कर सकते हैं, यानी इसी शीट के अंदर राइट कॉर्नर पे, लेकिन अगर आप न्यू शीट में करेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि न्यू शीट के अंदर आपको चीज़ें ज़्यादा डिटेल से समझ आएंगी। तो हम इसको न्यू शीट में करके क्लिक करके इसको ओके करेंगे। जो ही वो ओके करेंगे ये हमारे पास पिवट टेबल आ गया। ये देखें पिवट टेबल की विंडो आ गई, शीट आ गई, यहाँ पे वो डाटा जितना भी था वो सारा आ गया। ये देख लें जो पिवट टेबल के जो कॉलम्स थे, यहाँ पे 4 क्राइटेरिया हमारे पास आ गए, फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू। कॉलम के अंदर हम मंथ को रखेंगे, इसको मंथ को पकड़ेंगे और यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक से इसको यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे आके कॉलम के अंदर ड्रैग कर देंगे। जो ही मंथ हमने कॉलम के अंदर ड्रैग किए तो ये जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक सारे मंथ आ गए।
और वैल्यू के अंदर डेफिनेटली क्वांटिटी आएगी, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो क्वांटिटी वैल्यू के अंदर आएगी। अभी हमने यहाँ पे क्वांटिटी को ड्रैग किया, पकड़ के माउस से पकड़ के इसको ड्रैग करना है, तो आपके पास सम ऑफ क्वांटिटी सारी आ गई यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टोटल जितनी भी कंपनी की इनकम है एक साल की, वो आ गई है 12,06,409। ठीक है जी। अभी हमने ये मालूम करना है कि जैसे कि हमें बॉस ने कहा कि आप मुझे रीजन वाइज स्टेट दे दो। हमने रीजन को पकड़ा, रो के अंदर ले आए, यहाँ से रीजन को पकड़ा रो के अंदर, माउस क्लिक का लेफ्ट क्लिक दबा के वहाँ से पकड़ा और रीजन रो के अंदर ला के छोड़ दिया। अभी देखो यहाँ पे ये रिपोर्ट हमारे पास आ गई, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ नॉर्थ रीजन की रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट को हमने यहाँ पे सेवेज किया, सेवेज करने के बाद जहाँ पे आपने रखना है अब रोज में जाके एक नाम लिखें और इसको डेस्कटॉप पे सेव करें, सेवेज करके इसको जो है ना वो, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह की एक फाइल पड़ी हुई है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ प्रैक्टिकल वन। अभी सेव कर लेते हैं इसको, ये हमारे पास सेव हो गया और हमने प्रिंट निकाला और बॉस को दे दिया। ये था रीजन वाइज डेटा। अगर बॉस कहता है जी ठीक है रीजन वाइज हो गया, मुझे आप इस तरह करो कि स्टेट वाइज दे दो। स्टेट वाइज क्या है, यहाँ पे स्टेट को हमने पकड़ा, यहाँ पे ले आए। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ पहले थी वो मैंने निकाल दी बाहर। कैसे निकाली आपको मैंने जल्दी में बताया नहीं है। यहाँ पे स्टेट को मैंने पकड़ा लेफ्ट क्लिक से और बाहर लग के छोड़ दिया, ठीक है जी। फिर दोबारा हमने यहाँ से नेक्स्ट जो हमने डालना है यहाँ पे ले आए। तो अभी देखिए स्टेट वाइज डेटा आ गया, इसको भी आप सेव एज कर लें और प्रिंट निकाल के बॉस को दे दें। अच्छा, स्टेट को बाहर निकालना है तो स्टेट को बाहर निकाल दें। मैनेजर्स, सिर्फ मैनेजर्स का डाटा चाहिए, मैनेजर्स को ऊपर से पकड़ें यहाँ पे छोड़ दें। तमाम मैनेजर्स का डाटा आ गया, किस मैनेजर ने किस महीने में कितना किया, कहाँ कहाँ पे किया, सारा कुछ आ गया। मैनेजर्स के बाद मैनेजर्स को बाहर निकाल दें। सेलमैन का चाहिए, सेलमैन का पकड़ें यहाँ पे ले आएँ, सेलमैन का आ गया, सेलमैन को पकड़ें बाहर ले जाएँ, ठीक है जी। फिर कैटेगरी अगर करनी है तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे डाल दें कैटेगरी को, तो बिजनेस और कैजुअल में दो दोनों कैटेगरी में कितना बिजनेस हुआ, कितना किस महीने में कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, सारा आ गया। उसको आप सेव एज करके बॉस को प्रिंट करके दे सकते हैं, कैटेगरी कैटेगरी को बाहर निकाल दें। इसी तरह आप एक एक करके हर सब कैटेगरी को ले आए पकड़ के, यहाँ पर यहाँ से पकड़े ड्रैग करें यहाँ पे ले आए छोड़ दें। तो ये वुमेन ने कितना काम किया, मैन ने कितना किया, इसको बाहर निकालना, यहाँ से पकड़े बाहर निकाल दें। तो ये था सिंगल सिंगल अगर आपने करा मालूम करना। अगर आपने को कहा जी कि मुझे रीजन भी चाहिए, स्टेट भी चाहिए और साथ मुझे मैनेजर भी चाहिए, तो ये तीन एक टाइम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टेट, रीजन, ईस्ट रीजन में कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन से मैनेजर ने काम किया, ये सारा आ रहा है। बड़ी डिटेल में ये रिपोर्ट आ जाती है। आप इस रिपोर्ट को प्रिंट निकालें या आप सेव करें और बॉस को यूएसबी में दे दें, या प्रिंट निकाल लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये था, रोज में आपने तीनों चीजें मालूम की, रीजन, स्टेट और मैनेजर, तीनों को बाहर निकालना है, बाहर निकाल दें, ठीक है जी। यहाँ पे हमने निकाल दिए। उसके बाद अगर फिल्टर लगाना है तो आपने कहा जी कि मैनेजर के अंदर फिल्टर लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैनेजर को यहाँ पे ले आए, ठीक है, मैनेजर के ऊपर फिल्टर लग गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो ये तमाम मैनेजर, हमने कहा जी कि इदनान का मुझे डाटा चाहिए, तो ओके करेंगे तो इदनान का डाटा आ जाएगा। नाम नहीं आया उसका, नाम यहाँ ऊपर है, डाटा उसका यहाँ पे आ गया। फिर हमने कहा जी कि हमें अब्बास का भी चाहिए, मल्टीपल सिलेक्शन करनी है, तो फिर हमने कहा जी कि अब्बास का भी चाहिए और अरमान का भी चाहिए और असलम का भी चाहिए, ओके करेंगे तो इन का डाटा मॉडिफाइड आ गया, मल्टीपल एटम्स हमने सेलेक्ट कर ली। तो ये था इसका फिल्टर लगाने का तरीकाकार। अगर एक से ज़्यादा फिल्टर लगाना है, रीजन भी लगाना है, तो आप रीजन भी लगा सकते हो, ये रीजन पे भी फिल्टर लग गया, तो ये फिल्टर आप लगा सकते हो। इसको हमने ख़त्म किया, इसको भी निकाला। फिल्टर का मतलब होता है डेटे को सर्च करना, सिर्फ मैनेजर का डेटा हमने सर्च करना था, उसमें से एक एक करके हम सर्च कर सकते हैं। फिर हमने ये मंथ को भी यहाँ से बाहर निकाल दिया, इसको वैल्यू को भी निकाल दिया, मंथ को भी निकाल दिया। तो ये हमारा लेसन था पिवट टेबल के हवाले से, कि आपने अगर
एक रिपोर्ट बनानी है तो कैसे बनानी है, एक बड़े डाटा के अंदर से एक पार्टिकुलर डाटा निकालना है तो वो कैसे निकालना है। और इसके लिए हमारे जो प्यूमन टेबल हमारी बहुत मदद करता है और इसको हम यूज करके बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक्सेल के इस लेसन की आपको समझ आई होगी। एक्सेल के असल में छोटे छोटे लेसन में बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। एक ही दिन के अंदर मैं दो दो तीन तीन बड़े लेसन, आज चूंकि प्यूमन टेबल थोड़ा बड़ा लेसन था तो इसको मैंने पर्टिकुलरली अकेले डिस्कस किया है ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। और अगर आप ये प्यूमन टेबल बनाएंगे तो कम से कम अगर 50 कस्टमर भी आप ऐड करेंगे तब भी आपका 1 घंटा तो लग ही जाएगा। इसलिए मैंने चूंकि पहले बनाया हुआ था इसलिए मेरा ये 5 से 10 मिनट का जो लेसन होगा वो आपके लिए 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए लाजमी होगा। क्योंकि ये सारा डाटा आप ऐड करेंगे, एक्सेल शीट बनाएंगे, एक्सेल शीट बनाने के बाद फिर उसके ऊपर जाके आप सेट करेंगे। ये याद रखना है तो दोबारा बता दूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में यहाँ पे प्यूमन टेबल पे क्लिक करना है तो एक अलग सी शीट आ जाएगी, उस शीट के अंदर आप उस डेटे को ऐड करते रहें और आपको चीज़ें समझ आती रहेंगी। अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका अमीन असर हो। अल्लाह हाफिज़।